नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है कि हम लोगों ने वीलैन बनाया था, कॉन्फिगर किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, अभी भी हम वीलैन ही कॉन्फिगर कर गए, लेकिन क्या है कि जैसे कि एक पोर्ट हमने ऐड कर दिया था वीलैन 10 में, एक पोर्ट ऐड कर दिया था 20 में और एक और, तो यहां पर हम एक और वीलैन बना लेते हैं, वीलैन 30। मैंने पहले भी बताया था, एक वीलैन और बना लेते हैं, वीलैन 30, और इस वीलैन का नाम दे देते हैं वीआईपी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जो स्टाफ वन है इसमें जो पोर्ट है वो F0/1 से लेकर के F0/1 से लेकर के 5 तक इसमें रहेंगे। ठीक है, इस वाले में रहेंगे ये, और 5, 6 से लेकर के 10 तक इस रेंज, इस वाली रेंज वाले वीलैंड 20 में रहेंगे। और वीलैन जो वीआईपी है, वीआईपी में सिर्फ 10 से लेकर के 15 तक, ऐसा करते हैं 20 से लेकर के 25 तक। ओके, ऐसे करके कॉन्फिगर कर देते हैं कि वीलैन जो 10 है, वीलैन 30 है, उसमें जो पोर्ट रहेंगे वो पोर्ट इस तरह से रहेंगे कुछ कि 10 से लेकर के 11 से लेकर के 15 तक इसमें रहेंगे। दैट्स इट, ये तीन वीलैन हो गए। तो इसमें रहेगा ये फायदा है कि अगर कोई भी नया कंप्यूटर आया है और वो कंप्यूटर आपको स्टाफ के लिए देना है, तो स्टाफ वाला कनेक्शन कर दीजिए आप सीधे पोर्ट नंबर 2 पे। तो जैसे ही आप पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्ट करोगे तो आपका अपने आप कंप्यूटर जो है वीलैंड 10 का पार्ट बन जाएगा। अगर आप उसे पोर्ट नंबर 11 में, 11, 12, 13, 14, सॉरी 7, 8, 9, 10 में अगर आप कॉन्फिगर करोगे तो वो अपने आप वीलैंड 20 का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से वीलैन 30 का है कोई, तो वो आप 11 से लेकर के 15 की रेंज में आप जहां भी प्लग करोगे तो वो अपने आप उस वीलैन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमें इसमें करना है, ऐसा ही इसमें करना है। तो सबसे पहले तो एक हम नई टॉपोलॉजी बनाते हैं, इस टॉपोलॉजी को कर देते हैं डिलीट। दैट्स इट। नई टॉपोलॉजी बनाने के लिए हमें एक स्विच लेना है और स्विच पे ही हम कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो स्विच पे ही करनी है और अदरवाइज हम और किसी पे कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, स्विच पे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इस स्विच को हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं धड़ाधड़। ठीक है, तो सबसे पहले इसे इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, वीलैन आपको क्रिएट करना है 10 और उसका नाम दे देना है स्टाफ, स्टाफ हो गया उसका नाम। दूसरा वीलैन हमें क्रिएट करना है 20 और उसका नाम हमें क्या दे देना है, उसका नाम क्या रहेगा, जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ, नेम रहेगा उसका गेस्ट। और उसके बाद में एक और वीलैन हम बना रहे हैं और उस वीलैन का नाम है, वीलैन की आईडी है 30 और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, वीआईपी। ठीक है, ये हमने जो है तीन बना लिए। तो जो शो वीलैन ब्रीफ करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी ब्रीफ कॉन्फिगरेशन क्या है। तो यू कैन सी हियर 10 से लेकर के 20 और ये चीजें वीलैन 1 का पार्ट हो गई, वीलैन 10 बन गया, 20 बन गया, 30 बन गया। अब इसमें जो दूसरी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें जो इंटरफेस है वो F01 से लेकर के 5 तक रहेंगे, 6 से लेकर के 10 तक इसमें 20 में रहेंगे और इसमें रहेंगे। ये और भी इजी है, इजी इस तरह है आपको, जैसे मैं इसको एंड करता हूं और एंड करने के बाद कॉन्फिगरेशन मोड में जाता हूं और यहां से आपको करना क्या है, इंटरफेस सेलेक्ट करना है, रेंज देनी है। रेंज रेंज बहुत सिंपल है, F0/1 से लेकर के आपको रेंज देनी है 5 तक, यानी 1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वाले जो रहेंगे वो अपने आप वीलैन 10 का पार्ट बन जाए, ऐसा हम करते हैं। बहुत इजी है, सीधे रेंज हमने सेलेक्ट कर दी और रेंज सेलेक्ट करने के बाद कमांड वही है, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। अगर आपने, आपको सिंगल सिंगल इंटरफेस ऐड करना है तो हमने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि ऐसे कैसे आप सिंगल सिंगल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वीलैन 10 को एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। और फिर उसके बाद में दूसरी जो हमारी रेंज है वो रेंज स्टार्ट होगी 6 से और जाएगी 10 तक। इस यहां पर देखिए आप, ये वाला जो वीलैन है वो किसको एक्सेस करेगा, वीलैन 20 को, दैट्स इट, 20 को एक्सेस कर लिया। अब 20 को एक्सेस करने के बाद अगेन अब हम चलते हैं यहां पर, दूसरी जो रेंज है वो रेंज क्या है, 11 से लेकर के 15 तक, ये वाली रेंज हमने दे दी। और रेंज पे देने के बाद ये सेलेक्ट, ये जो एक्सेस करेगा वीलैन 20
को एक्सेस करेगा, 30 को एक्सेस करेगा, सॉरी 30 को एक्सेस करेगा, दैट्स इट। लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी है कि अगर हम दो स्विच या तीन स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे, उनका डेटा ट्रैवल कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके सेम वीलैन ऑन द डिफरेंट स्विच, तो हमें उसमें एक ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। ट्रंक पोर्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं। इसको अब मुझे एक ट्रंक पोर्ट बनाना है, तो इनेट इंटरफेस जीआईजी जो 0/1 है उसको हम ट्रंक बना लेते हैं, राइट, 0/1 को, और स्विच पोर्ट कमांड भैया स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक, दैट्स इट, ये ट्रंक बन गया, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर है, सॉरी हमारे पास जो है ये पैकेट ट्रेसर है, और पैकेट ट्रेसर में बहुत अच्छी फैसिलिटी ये है कि इसको मैं सीधे कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए स्विच, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी और पेस्ट होगी, बट इन द रियल ऐसा नहीं होता है। रियल में कैसा होता है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा कि काम जो है चुटकी में हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्विच वन, SW1, और इसको नाम दे देता हूँ मैं SW2, दोनों की बेस सेम कॉन्फ़िगरेशन है SW2, ठीक है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि इनमें सबसे पहले तो हम कनेक्ट कर देते हैं इनको आपस में, देखिए ये सेम डिवाइसेस हैं, तो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स क्रॉस केबल की, तो गीगावाइट से गीगावाइट को मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमारे पास पीसी हो गए, एक पीसी हो गया, अभी हमारे पास तीन वीलैन है, तो हम तीन पीसी लेंगे, और तीन पीसी लेने के बाद एक दो और तीन, तीन पीसी मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, तीन पीसी मैंने इधर ले लिया। अभी क्या है, सबसे पहले तो मैं इसमें सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए इजी है, सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे हम इसको। तो सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें करना क्या है, देखिए अभी हम अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब अलग टाइप का नेटवर्क दे रहे हैं, नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि इस वाला का नेटवर्क रहेगा 10.0.1.0/24, यानी कि अभी जो मैं दे रहा हूं वो 24 का नेटवर्क दे रहा हूं, तो 24 का नेटवर्क वैसे भी आपको पता है कि सेम तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, बट जो है डिफरेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कर दे रहा हूं 220 वाले को, या यहां से ऐसे शुरू कर देता हूं, ये 10 वाला 10 हो गया और 20 वाला 20 हो गया, इट इज इजी टू रिमेंबर, 20 वाला 20 हो गया और 30 वाला 30 हो गया, दैट्स इट, ये हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अभी मैं इसको 24 नहीं दूंगा, अभी मैं इसको 8 ही दूंगा, /8 मतलब 2500, बट ऐसा कुछ मैं कॉन्फ़िगरेशन इसमें करने वाला हूं। ओके सो लेट्स सी कॉन्फ़िगर करते हैं 10.0.10.2, राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें इस वाले कंप्यूटर में करनी है क्योंकि ये दोनों अलग वीलैन के हैं, सेम वीलैन के, ये तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में डेस्कटॉप पे चलते हैं, और हियर वी गो, यहां पर हम डाल देते हैं 3, बस दैट्स इट, ये 10 वाला हो गया। अब 20 वाले को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो 20 वाले को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहां पर इसको ही मैं पेस्ट करता हूं, और यहां पर इसको मैं 20 कर देता हूं, ठीक है, 20.2, और इसको क्या करूंगा मैं 20.3 हो जाएगा ये वाला, है ना, इजी। तो ये रहा यहां से 20.3, दैट्स इट, और ये वाले की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम 30.1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर 10.0.30.2, राइट। तो सेम ये कॉन्फ़िगरेशन इधर कर देता हूं मैं 30, राइट, इधर कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूं इसको, और इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा 3, 30 और 3, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई है। अभी क्या है कि मैंने इसको सेम दिया है, तो सेम का मतलब ये है कि सब सेम नेटवर्क के हैं, सब सेम नेटवर्क के आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, लेकिन अभी मैंने इनको क्या किया है, मैंने इनको अलग अलग वीलैन में बना दिया है। देखो अभी मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्टार्ट करता हूं, देखो मैं इसको कनेक्ट करता हूं स्टेट केबल से, स्टेट केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखिए मैं इसको एक्चुअल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है 15 तक की है, तो 16 से मैं ऐड करता हूं इसको, 16
अगेन 17, अगेन 18, वट एवर, अगेन यहां पे भी ऐसे करता हूं, इसको मैं 20 से कर लेता हूं, 20 से अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है। हो जाओ भाई, हो जाओ, 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये 22 हो गया, वट एवर कोई भी ले लो आप, बट ये वाले मत लेना 5, 6 और 15, बिकॉज वी हैव कॉन्फिगर्ड एडेड दिस पोर्ट इन स्पेसिफिक वीलैन। ठीक है, अभी ये हम इनको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट ये करेंगे, लेट्स चेक, ये वाला कनेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला इस वाले से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी वन इज कम्युनिकेटिंग विद द ईच एंड एवरी वन, सब कोई अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा है। राइट राइट हियर डिले चेकआउट, ये यहां देखिए आप सक्सेसफुल आ रहा है, लिख के मतलब दे आर कम्युनिकेटिंग, तो अभी सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट डिलीट ऑल दिस। अब हमें करना क्या है, जो ये वाला है वीलैन 1 वाला है, 10 वाला है, इसको हमें 1 से 5 के बीच कनेक्ट करना है, यानी कि इस वाले को हम 1 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 में कनेक्ट कर दिया। अब 1 में कनेक्ट करने के बाद ये वाला जो है फेल्ड, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है दूसरे के साथ, ये वाला जो है इस वाले के साथ में भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, फेल्ड आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूं, इसको बंद में रख देता हूं, इस वाली केबल को, ओफो, इस वाली केबल को मैं बंद में कनेक्ट कर देता हूं, मुझे क्या करना है सिर्फ केबल बंद में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इनको भी कर देता हूं, इस वाले को मैं कर देता हूं पोर्ट नंबर 30 में, वीलैन 30 का पार्ट है, तो 30 जो है 15 से 11 के बीच में है, तो ये लो 13 में हो गया। ठीक है, ये वाला, अरे भाई निकल जाओ निकल जाओ, इस वाले को मैं 13 में कर देता हूं, नहीं, इसको मुझे करना है इसमें 6 से लेकर के 10 के बीच में, राइट, क्योंकि ये वीलैन 20 है, तो 20 वाला हो गया, 30 वाला हो गया और 10 वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके साथ में कर देता हूं, इसको मैं 30 में ऐड कर देता हूं, केवल तो पोर्ट नंबर तो याद ही होगा आपको, 15 से पहले पहले, और इस वाले का पोर्ट नंबर, अरे यार, इस वाले का पोर्ट नंबर 10 के बीच में है। ठीक है, 10 और ये नहीं, तो अभी आप देखोगे कि ये जो सेम वीलैन वाले हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, मतलब ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेशन करेगा, ये वाला इसके साथ में करेगा, ये वाला इसके साथ में करेगा, करना चाहिए अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है तो। ठीक है, ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं करेगा, इनको अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है तो सेम वीलैन में डालना पड़ेगा। पहले मैं इसको हटा देता हूं, यार ये बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला सही है, चमक रहा है, तो ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेट करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट वीलैन के हैं, ये वाले आपस में कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज सेम वीलैन के हैं, सेम वीलैन का मतलब यहां से डिसाइड होता है कि कौन सा पोर्ट हमने किस वीलैन में ऐड किया है और ये वाला उसी पोर्ट में कनेक्ट है, गेटिंग पॉइंट। तो यहां से ये वाला कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल और ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन आपस में ये नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो ये वाला अगर मैं इसके साथ में करूंगा तो 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन है जो कि फेल्ड है, और यहाँ 30 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन है जो कि फेल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वीलैन कॉन्फिगर हो गया। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि अगर हमें बल्क में चाहिए, जैसे कि मान लो ये वाले आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, मतलब इनको सेम वीलैन में डाल दो, कम्युनिकेशन कर लेंगे, जैसे कि सेम वीलैन का मतलब वीलैन 10 में डाल दो, ये लो 2 पे आ गया और ये भी आ गया 3 पे आ गया, क्योंकि 5 तक है इसमें, 5 तक हमने ऐड किए हैं यहां से 0 से 5 तक, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लो भाई कम्युनिकेशन डन सक्सेसफुल। ओके, ये वाला ये इसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है सक्सेसफुल, ये वाला इसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है सक्सेसफुल, और ये दोनों इसके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी भाई वीलैन 10 में है, इसलिए देखो हियर डन, हियर डन और हियर डन। अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर को इसे वीलैन 30 में डालना है, जैसे इसको लो है वीलैन 30 में डाल दिया हमने, 30 कौन सा था, 15 के बीच में था, और ये वाले को हम डाल देते हैं 20 में, तो 20 क्या 10 के बीच का था,
यानी जो रेंज थी वो यहां लिखी हुई है। अब सब सिर्फ सेम सेम वीलैन में कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि अब इनके साथ में कम्युनिकेशन सिर्फ इसका ही हो पाएगा ये सेम वीलैन में। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि बल्क में इंटरफेस की अगर हमें इंटरफेस रेंज दे दी जाए कि 10 इंटरफेस या 20 इंटरफेस कैसे हमें कम है, 10 इंटरफेस हमें वीलैन एक वीलैन में ऐड कराने हैं, अदर 10 हमें दूसरे वीलैन में ऐड कराने हैं और 4 हमें दूसरे वीलैन में ऐड कराने हैं, तो ऐसे करके हमें वीलैन कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा था कि बल्क में कैसे एक वीलैन में ऐड करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यानी सेम वीलैन वाले आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये जानना है कि ये दोनों अलग अलग वीलैन वाले आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जैसे मैं चाहता हूं ये वीआईपी वाला जो है स्टाफ के साथ में कम्युनिकेट कर सके और गेस्ट के साथ में कम्युनिकेट कर सके, मतलब जो वीआईपी है वो पर्सन स्टाफ के साथ में कम्युनिकेशन कर सके, गेस्ट के साथ में कोई मतलब नहीं है, यानी 30 वाला 10 के साथ में कम्युनिकेशन कर सके, 10 वाला 30 के साथ में कम्युनिकेशन कर सके, तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको किसी तरह का कोई भी विचार प्रकट करना है, मतलब कभी किसी तरह का सुझाव देना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर आपको हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वायरी चाहिए तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहां से क्वायरी जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।